रतलाम जिले में एक ट्राले ने सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंद दिया है, जिससे अब तक 6 की मौत हो गई है और लगभग 11 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि हादसा टायर अचानक फट जाने से हुआ है। घटना के बाद जिला दंडाधिकारी और SP घटनास्थल पहुंच गए। वहीं घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई दहल जाएगा। वहीं मां से बिछड़े घायल बेटे को कलेक्टर अपने साथ जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और उसे उसके पिता के सुपुर्द किया है। जानकारी के अनुसार हादसा रतलाम जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर सात रूंडा के पास रतलाम इंदौर फोर लेन पर हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्राली की रफ्तार ज़्यादा थी और अचानक टायर फट गया, जिससे वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बैठकर बस का इंतजार कर रहे लोगों की ओर चला गया और कहीं को रौंद दिया। पुलिस ने मृतकों की संख्या 6 बताई है, जिनकी मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई थी। रतलाम से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। कितने लोगों को कुचल दिया उनने? सर कम से कम 20 सर। क्या नाम तुम्हारा? विशाल चौधरी। सर किस तरह की घटना हुई और कितने लोग इंजर्ड हुए हैं? देखिए, अभी रतलाम जिले का जो सातरुंडा है, वहाँ किसी बड़े ट्रक का जो ट्राला जिसको हम बोलते हैं, उसका पंक्चर हुआ, तीसरे टायर बस्ट हुआ और जिसके कारण से एक कैजुअल्टी हुई, जिसमें लगभग 5 लोग हैं की मृत्यु हुई और बाकी के लगभग 10-11 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज चल रहा है और जैसे आप लोगों को विदित है कि मोर SP साहब तत्काल पहुंचे थे। हमारा पुलिस का अमला, स्वास्थ्य विभाग का अमला और जो भी हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सारे SDM वगैरह सब लगे हैं। और बड़ी दुखद घटना थी जिसमें हम सब पीड़ित परिवार के साथ में हम सब लोग, एक बच्ची भी छोटी घायल हुई थी जो उसकी माता के पास अभी हॉस्पिटल हम लोगों ने पहुंचाया, उसकी माँ भी घायल है। इस तरह से एक घटना भी शाम को घटी थी। आर्थिक सहायता कुछ आपने देने की बात की? देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पे इलाज भी चल रहा है रेड क्रॉस के माध्यम से। हम लोग सभी की पीड़ित परिवार की वो हमारा दायित्व है, वो हम करेंगे ही, ये भी है। और दूसरा, इनकी हर स्थिति में हम लोग के साथ में है, परिवार। 15 दिन में दूसरी घटना घटी है, 4 पहले मरे थे। क्या DPR को चेक कराइए किस कारण से इन रोडों पर फोर लेन पर घटना हो रही है? देखिए, ये जो आज की जो घटना थी, सर मैंने अनुरोध किया आपसे कि ये टायर जो है वो बस्ट हुआ था, जिसके कारण से डिसबैलेंस हुआ, इस तरह से घटना घटी है। बाकी जो हमारी जो स्वास्थ्य समिति थी, समय समय पर बैठक करती है, इसके साथ वो हम सब करते हैं। यहाँ के ब्लाइंड स्पॉट भी हम लोगों ने काफ़ी तरीके से सुधारे हैं, पर बहरहाल आज की घटना पे हम बात करेंगे। दुखद घटना है और हम इसमें पीड़ित परिवार के साथ में पूरा जिला प्रशासन सम्मिलित है, हमारे वरिष्ठ अधिकारी और सभी लोगों ने हमें निर्देश दिए हैं, सभी का संवेदनशीलता से ध्यान रखा जाना चाहिए। हम लोग सर ट्रक ड्राइवर का राउंड अप कर लिया, ऐसी कुछ खबर है कि ट्रक ड्राइवर कहाँ पे है? ट्रक ड्राइवर जो आरोपी ट्रक ड्राइवर है, उसको राउंड अप वगैरह किया है क्या? राउंड अप कर लिया उसे। घायल और मृतक कहाँ के हैं, पहचान? ये बताओ के बगतगढ़ के सभी निवासी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।